बीमारी है, पहली तो बात है। अगर इससे फैसला ना हो तो फिर आदत के देखें, बीमारी शुरू होने से पहले कितने दिन मेरे तंदुरुस्ती में होते थे हैज के, उसको समझे कि वो हैज है, जब वो दिन गुजर जाए 5 दिन से पढ़ना शुरू कर देते, बिल्कुल ही ना हो तो 10 दिन के बाद तो फिर करना ही चाहिए। रामनवास साहब ये पूछते हैं कि अगर पेशाब के कतरे बार बार आते हैं तो इस दौरान क्या किया जाए, वजू बार बार करे या नमाज पढ़ सकता है? जिसको कतरे आते हो ना पेशाब के या हवा खार जोती रहते, ये अल्लाह का बंदा मुस्तस्ना है, माफी इसको करने की कोई जरूरत नहीं। इसको जब वजू करे बस उस वक्त एक बार अपने सारे हिस्से जो है ना उनको धो ले वगैरह मसा कर ले, बेशक धोते धोते भी कतरे निकल जाए ना या हवा निकल जाए कोई बात नहीं, काम पूरा कर ले और बाद में भी होता रहा जो कुछ, इन कतरों के और हवा के अलावा कुछ और हो जाए ना जो बंदे के बस में है उसमें वजू करना, ये समझे माफ, ये माजूर हो गया वो अल्लाह माफ कर। इमी का दूसरा सवाल ये है कि टॉयलेट में अगर पानी ना हो तो क्या उसकी जगह पर हम टिशू इस्तेमाल करके नमाज पढ़ सकते हैं? हाँ, पानी हो या ना हो मसला सुन लें आप कि पानी इस्तेमाल करना अच्छा है, सफाई है कि सुथराई है, वरना सारी उम्मत मानती है कि अगर आपने टिशू से या मिट्टी से अपना आप पास साफ कर लिया ना, नजासत जो दूर कर दी, तो आप उसके बाद पानी ना भी इस्तेमाल करें। कई लोगों ने मजाक में मौलवी था उसने अजान लिया वजू आया था बाहर से उसने वजू नहीं किया, ये जाहिलों की बात है। अगर कहा फिर क्या हो गया, जो है ना पखाने के बाद मिट्टी से ढेले से साफ करना ये लाजमी है कि उसको दूर करो, उसके बाद जो है ना कि बू वगैरह खत्म करने के लिए पानी से इस्तापा वो इस्तंजा जी जो मिट्टी या ढेले से करते हैं उसके लिए इस्तंजा, ये है इस्तापा, ज्यादा सफाई बहुत अच्छी बात, मगर ना करे तो इसमें खाक होने में कोई खलल, नमाज दुरुस्त है। इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम